दिलचस्प है, कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो आबादी के हिसाब से दुनिया में पांचवा सबसे बड़ा देश होता। अब समझिए कि आबादी जब बढ़ती है तो बढ़ता है क्राइम का ग्राफ। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती बहुत बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से भी देश का सबसे बड़ा राज्य, इसीलिए कानून व्यवस्था का सवाल आंकड़ों से नहीं बल्कि आबादी के अनुपात से देखना होगा। हालांकि 2017 से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन पर एक तरफ सवाल भी उठे और दूसरी तरफ जनता ने तालियां भी बजाई। से 2021 तक अपराधियों के खिलाफ अभियान में 8472 मुठभेड़ हुई, जिनमें 146 अपराधी मारे गए और 18225 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस के सख्त एक्शन का असर ये देखने को मिला कि कहीं दुर्दांत अपराधी दोनों हाथ ऊपर करके थाने के सामने सरेंडर की अपीलें करते दिखने लगे। गले में अपराध से तौबा की पट्टी लटकाए, आत्मसमर्पण की अपीलें करते अपराधी भी दिखे। पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार 142 वांटेड अपराधियों ने राज्य में या राज्य के बाहर सरेंडर किया। इसमें ऐसे अपराधी भी शामिल हैं जिनके ऊपर पुलिस ने इनाम रखा हुआ था। मुठभेड़ के डर से 26 अपराधी जमानत मिलने के बावजूद जेल छोड़ने को तैयार नहीं हुए और 71 अपराधियों ने अपनी जमानत को कैंसिल कर वापस जेल जाना मंजूर किया। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर पेशेवर अपराधी और माफिया सत्ता के सागर्द बनकर के सत्ता के संरक्षण में भय और दहशत का माहौल पैदा करते थे, अराजकता फैलाते थे। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी शक्ति के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई भी की गई। यूपी की कानून व्यवस्था के लिए राजनीतिक रसूख रखने वाले कई नाम भी चुनौती बने रहते थे। बाहुबली के इनके टैग के नीचे गैंग वॉर, हत्या अपहरण का खेल चलता रहता था। वो तस्वीर भी बदलती दिखी। पूरी जो माफिया है उन पर लगाम कसी गई है, जो अपराधी हैं उन्हीं के ऊपर ये लगाम कसी गई है। और इस समय जो माफियाओं गुंडों के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, जिससे लोग कहते हैं खुले में घूम सकते हैं, जो महिलाएं भी हैं, जो माँ बेटी हैं हमारे कहते हैं, और बाकी जो बिजनेस करने वाले भी हैं जिससे वसूली की जाती थी, ये सारी चीज़ें कहते हैं बहुत दूर हो गई है। तो बिजनेसमैन भी बढ़िया हैं, काम कर रहे हैं। अपराध पे लगाम तो दिख रही है, ज़्यादातर 99% में तो सब सही किया गया। कानून व्यवस्था की वजह से कोई समस्या नहीं आई है व्यापार में, और बल्कि जब से योगी सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था ठीक है, लाइन ऑर्डर अच्छा है, तो दुकानदार भी निश्चिंत होकर काम करता है, उसको किसी की डर नहीं रहती। मुख्तार अंसारी की सालाना 41 करोड़ की अवैध कमाई बंद कराई गई। दिसंबर 2020 तक मुख्तार के समर्थक 100 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई, 75 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। 2021 की जनवरी तक अतीक अहमद और उसके सहयोगियों की 203 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया। अतीक गैंग के 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 44 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई। 16 ठेकों और फर्म की जांच चल रही। अतीक अहमद, उसके रिश्तेदार और सहयोगियों की 31 संपत्तियों की जांच ईडी, आयकर विभाग और ईओडब्ल्यू कर रही। अतीक अभी गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद। जांच और जेल के अलावा अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला तो राजनीतिक हल्ला भी खूब हुआ।
हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। एक बुल और दूसरा बुलडोजर। और इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि पहले तो स्टीयरिंग बुलडोजर का उनके हाथ में दे दिया था, इस बार जनता अपने हाथ में रखेगी बुलडोजर का हैंडल और भारतीय जनता पार्टी को इतने खिलाफ वोट डालेगी, इतने खिलाफ वोट डालेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा किया, किसी गरीब और निरीह और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है।